हे नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं डिश मास्टर फार्मेसी दोस्तों, आज जो हमारे पास ये सस्पेंशन है, आज हम इस सस्पेंशन के मेन यूज, इसके साइड इफेक्ट, इसकी डोज और इसके क्वांटिटी के एडिट के बारे में बताएंगे। और दोस्तों ये किस दवाई के साथ में लेना है, किसके नहीं, उसके बारे में भी बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस सिरप की पूरी जानकारी जानेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब दोस्तों ये जो हमारे पास सस्पेंशन है, इसका दोस्तों जो कंपनी ने ब्रांड नेम रखा है वो है कार्ल डेविट D3। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, कार्ल डेविट D3 ये अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाता है। जैसे कि आप नीचे फोटो में देख रहे हैं दोस्तों, इसके बहुत सारे ब्रांड नेम हैं, ये अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाता है। दोस्तों ये जो मेरे हाथ में ये जेनिक है सस्पेंशन है दोस्तों, ये अपने एथिकल में भी मिल जाता है और दोस्तों जेनिक में भी मिल जाता है। तो दोस्तों अब दोस्तों ये जो इसकी जो फॉर्म आती है दोस्तों, ये दो फॉर्म में मिलता है, टेबलेट फॉर्म में मिल जाता है और दोस्तों और सिरप फॉर्म में भी मिल जाता है, सस्पेंशन फॉर्म में। और दोस्तों ये सस्पेंशन जो है दोस्तों, ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाला है, डॉक्टर के पर्चे पे मिलता है। तो दोस्तों चलिए अब मैं इसका साल्ट बता देता हूँ, इसका फार्मूला यानी केमिकल नेम इसका मैं बता देता हूँ दोस्तों, कंटेंट के बारे में, आयस्ट कैल्शियम और विद विटामिन D3 दोस्तों इसके अंदर है। तो दोस्तों वैसे ये दो दवाइयों के कॉम्बिनेशन में है दोस्तों, इसका जो साल्ट है वैसे इसमें कैल्शियम और विटामिन D3 ये दो दवाइयों के कॉम्बिनेशन में है। तो दोस्तों इसका जो साल्ट है कैल्शियम और विटामिन D3 है दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसका साल्ट फार्मूला यानी केमिकल नेम बता देता हूँ आपको, या आयस्ट कैल्शियम विद विटामिन D3 जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, आयस्ट कैल्शियम विद विटामिन D3 है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए अब मैं ये दो दवाइयों की कॉम्बिनेशन है, तो दोस्तों चलिए अब मैं इसके आपको मेन यूज बता देता हूँ कि इसके जो यूज मेन यूज लिए जाते हैं वो किस बीमारी में लिए जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सबसे ज्यादा मेन यूज लिया जाता है वो हड्डियों में कैल्शियम की, मतलब जिससे कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, तो हड्डी के लिए मजबूत करने के लिए हड्डी को इसका यूज लिया जाता है दोस्तों। और दोस्तों जैसे हड्डी टूट जाती है, हड्डियों में कमजोरी होती है, दर्द होती है, खुलती है, तो इसमें इसका यूज लिया जाता है दोस्तों। और दोस्तों जैसे प्रेग्नेंट लेडी होती है, जैसे प्रेगनेंसी की तैयारी करती होती है बेबी, जब मतलब 3-4 महीने लग जाते हैं तो उसमें भी कैल्शियम का यूज होता है, तो प्रेग्नेंट लेडी भी इसका यूज करती है दोस्तों। और दोस्तों जैसे दांत आपके कमजोर हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं, या बाल भी मान लीजिए, वो भी एक बाल भी एक हड्डी का रूप है दोस्तों, तो उसमें भी इसका यूज लिया जाता है। दांतों में जैसे दर्द होता है उसमें भी इसका यूज लेते हैं मजबूत करने के लिए। और दोस्तों ब्रेस्ट फीडिंग मदर वाली, जो मतलब जो बच्चे को दूध पिलाती है माए, वो भी इसका यूज कर सकती है। या दोस्तों जैसे किसी को सूखा रोग होता है, जैसे बोल देते हैं यानी कि जिसकी हड्डी है मतलब कमजोर हो जाती है, सूखने लगती है, पतली होती है, दर्द होने लगता है, उसमें भी इसका यूज लिया, यानी कुल मिला के हड्डियों के लिए काफी अच्छा होता है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये सिर्फ ये इसकी मैं कुछ बेसिक बात आपको बता देता हूँ, बेसिक यूज दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो जैसे कैल्शियम आप कहीं और से भी ले सकते हैं, जैसे कि हमें खाने पीने में हमारी कमी हो जाती है, हमें कैल्शियम नहीं मिलता, तो तब हम उसके थ्रू दवाई से कैल्शियम लेते हैं दोस्तों। अगर हमारा खाना पीना अच्छा है तो जैसे मछली अंडा या मछली अंडा जैसे हम खाते हैं, या मतलब दोस्तों ये बादाम हो गए, पिस्ता, काजू बादाम, इनमें काफ़ी कैल्शियम पाया जाता है दोस्तों। तो फाइबर वाले फूड जैसे हम लेते हैं तो दोस्तों उससे हमें विटामिन मिल जाता है, तो फिर हमें इसकी इस सिरप की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब है, अगर हम पोषण हमारे खाने पीने में कमी है तो हमें कैल्शियम की कमी हो जाती है दोस्तों। अगर हम अपना खान पीन अच्छा कर लेंगे तो हमें कैल्शियम की कमी नहीं पड़ेगी, अगर हम नहीं खाते तो फिर हमें बाहर से कैल्शियम लेना पड़ता है, जैसे दवाओं के थ्रू, या जैसे कि हरी सब्जियां हो जाती हैं, या आंवला, मूंगफली, तो इन चीज़ों में कैल्शियम आराम से मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसका मेन यूज़ हिंदी में बता देता हूँ, क्योंकि हमारे चैनल पे हिंदी में बताया जाता है दोस्तों। तो इसका जो मेन यूज़ लिया जाता है वो कैल्शियम की कमी में इसका यूज़ लिया जाता है, विटामिन डी की कमी में, क्योंकि इसमें विटामिन डी है तो दोस्तों उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। सूखा रोग हो जाता है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों, या जैसे पोषण की कमी हो जाती है दोस्तों, जो कह देते हैं खाने पीने में कमी हो जाती है, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों चलिए अब मैंने इसके बारे में बताया, तो दोस्तों चलिए अब मैं इसके कुछ साइड इफेक्ट आपको बताऊंगा दोस्तों। ये कुछ इस प्रकार की बोतल में आता है दोस्तों, तो इसकी दोस्तों कुछ इस प्रकार से पैकिंग होती है दोस्तों। चलिए अब मैं दोस्तों इसके आपको साइड इफेक्ट यानी नुकसान बता देता हूँ। तो दोस्तों इसके जो नुकसान देखने को मिलते हैं, वैसे तो कोई इसके ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते दोस्तों, लेकिन इसके कोई कॉमन से साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन मैं इसके कुछ कॉमन से साइड इफेक्ट बता देता हूँ आपको। आपको दोस्तों कब्ज लग सकता है, चेहरे पर सूजन हो सकती है, या दोस्तों थोड़ी बहुत मतली उल्टी हो सकती है दोस्तों। इसके वैसे कॉमन से कोई साइड इफेक्ट नहीं देखे गए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए मैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड बता देता हूँ, किसको लेनी है किसको नहीं लेनी। तो दोस्तों जैसे कि ये कैल्शियम जैसे गर्भवती महिला होती है, प्रेग्नेंट महिला दोस्तों, वो इसे ले सकती है बिना डॉक्टर की सलाह से। और दोस्तों इससे जो स्तनपान करने की जो तैयारी कर रही है, जो प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही है दोस्तों, वो भी इस सिरप को ले सकती है दोस्तों बिना डॉक्टर की सलाह से। और दोस्तों किडनी वाले जो होती हैं दोस्तों, तो किडनी वाले भी अपने बिना डॉक्टर से इसको बिना पूछे ले सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों लीवर वाले भी अपने बिना डॉक्टर की एडवाइस से इसको ले सकते हैं, क्योंकि इन पर साइड इफेक्ट इसका नुकसान नहीं होता दोस्तों। और हार्ट वाले भी अपने बिना डॉक्टर की सलाह से कैल्शियम का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका नुकसान नहीं होता। इस पर अब
दोस्तों मैं इनमें से बता देता हूँ, अगर इनमें से किसी को कोई बीमारी हो तो इस सिरप का यूज़ नहीं करें, अपने डॉक्टर की एडवाइस से ही करें। अगर आपका डॉक्टर ठीक समझे तो तभी इस सिरप का यूज़ करें, वरना नहीं करें दोस्तों। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर मिलने वाला सिरप सस्पेंशन है दोस्तों। टेबलेट फॉर्म में भी आता है और इस सिरप फॉर्म में भी आता है। तो जैसे दोस्तों गुर्दे की बीमारी हो या हार्ट की बीमारी हो या एलर्जी हो दोस्तों, या गुर्दे की बीमारी हो, लीवर रोग हो, तो दोस्तों ये या जैसे दिल की धड़कन बढ़ती हो दोस्तों, तो ये अपने डॉक्टर की एडवाइस से ले सकती हैं दोस्तों, बिना पूछे भी ले सकती हैं, लेकिन अपनी डॉक्टर की एडवाइस से ही लें ताकि आगे को ज़्यादा स्थिति मतलब बीमारी और ना बिगड़ जाए। तो अपने डॉक्टर की सलाह से लेंगे तो वो आपको बिल्कुल ठीक देगा, तो आपको इससे नुकसान नहीं होगा दोस्तों। तो अपने डॉक्टर से की सलाह से लेकर ये बीमारी हो तो दोस्तों मैं एक बात और बता देता हूँ, जैसे दोस्तों स्टोन हो या जैसे पथरी होती है उसमें इसका यूज़ नहीं लेना होता दोस्तों। दोस्तों किसी का बीपी ऊपर नीचे रहता हो जैसे मैंने भी बताया था हार्ट में, तो वो अपने डॉक्टर की सलाह से इसका यूज़ करें, इन बीमारियों में से अपने डॉक्टर से पूछ के ही लें। अब दोस्तों चलिए मैं इसकी डोज बारे में बता देता हूँ, खुराक के बारे में दवाई की। दोस्तों मैं इसकी डोज बता देता हूँ, मरीज पे डिपेंड करता है कि उससे कैसी डिसीज यानी बीमारी है, मतलब कैसी है, तो उस पर अलग अलग डिपेंड करती है डोज, लेकिन मैं इसकी कॉमन डोज बता देता हूँ आपको दोस्तों। बेसिकली बच्चों के लिए होता है, जैसे कि मान लीजिए ढाई साल का बच्चा, तो उसे दोस्तों 1.5 ml दे सकते हैं हम, कहने का मतलब 1.5 ml उन्हें दे सकते हैं दोस्तों का। जैसे कि आपके पास इतना बड़ा है, इतना बड़ा सस्पेंशन है, तो दोस्तों आप सोचेंगे कि मैं इसे कैसे दूं, तो दोस्तों आप एक इंजेक्शन लीजिए, इंजेक्शन में जो होता है छोटा इंजेक्शन से नाप के उसको डोज दे सकते हैं, 0.1 ml या 0.2 ml, जैसे उसमें पॉइंट होते हैं, जैसे आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं इंजेक्शन। तो दोस्तों आप डोज बच्चे की डिस्पोवेंस से भी नाप सकते हैं। और दोस्तों जैसे बच्चों का सस्पेंशन आते हैं सिर्फ, तो उनमें बाकायदा अलग से एक वो आती है नापने के लिए, स्टिक आती है, जैसे कि आपने नीचे फोटो में देख रहे हैं, इससे नाप के सस्पेंशन दिया जाता है ml के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों मैं कॉमन से आपको डोज बता रहा हूँ, तो दोस्तों ढाई साल के बच्चे को देनी है 1.5 ml, दिन में दो बार यानी कि दिन में 5 ml ढाई साल के बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों दिन में एक ही बार देनी होती है दोस्तों। और जो ऊपर की डोज होती है वो डॉक्टर कैलकुलेशन करके देते हैं दोस्तों, अपने बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है दोस्तों। और दोस्तों 10 साल से ऊपर के बच्चों के लिए होती है, मतलब 600 से 700 mg पर डे मतलब दे सकते हैं बच्चे को। और दोस्तों बड़े जो होते हैं, बड़ों के लिए होती है दोस्तों, बड़े भी दिन में दो बार ले सकते हैं इसकी डोज में, एक ढक्कन ले सकते हैं दोस्तों। बड़े लोग जो होते हैं दोस्तों वो एक ढक्कन इसको दिन में दो बार ले सकते हैं दोस्तों, और दोस्तों दिन में एक बार भी इसे ले सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं इसके बारे में बता देता हूँ, वो बीमारी के डिसीज के ऊपर है कि कितनी बार लेनी है, डॉक्टर आपको बताएगा दोस्तों। इसे दिन में दो बार भी ले सकते हैं और एक बार भी ले सकते हैं, एक ढक्कन बड़े। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इससे ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि आपके ये किसी भी बॉडी के पार्ट को डैमेज कर सकता है दोस्तों। तो इससे कम से कम मतलब इससे 15 दिन का इसका कोर्सेज होता है, 15 से मतलब बीमारी के अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं, एक महीने भी ले सकते हैं इसे। लेकिन जो नॉर्मल आदमी होता है जिससे कैल्शियम की कमी हो जाती है, खाने पीने की वजह से कमी हो जाती है, प्रोटीन मतलब उसमें कैल्शियम नहीं मिल पाता, तो उसके लिए 15 दिन का इसका मिनिमम होता है, 15 दिन से 20 दिन भी चला सकते हैं। और दोस्तों किसी को जैसे कि मान लीजिए किसी को कुछ बीमारी है, जैसे मान लीजिए मिर्गी की बीमारी है, या मिर्गी रोग है, या HIV एड्स की बीमारी है दोस्तों, या कैंसर की मतलब बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी है दोस्तों, तो उसमें इसका लंबे समय तक भी इसका यूज़ डॉक्टर अपनी एडवाइस से चला सकते हैं दोस्तों। दोस्तों जो एक नॉर्मल सा आदमी है, जैसे कि मान लीजिए किसी को खाने पीने में पोषण की कमी की वजह से मतलब कम ये कैल्शियम मिला है, तो वो इसे सिर्फ 15 दिन या 20 दिन तक ले सकता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो लंबी हो जाती है, माफ़ी चाहता हूँ। मैं इसकी दवाइयों के मैं बता देता हूँ कि ये किस दवाइयों के साथ में नहीं लेना होता है दोस्तों, कि जैसे कि दोस्तों आप नीचे फोटो में देख रहे हैं, ये इन दवाइयों के साथ में नहीं लेना होता है। मैं कुछ दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, मैं साल्ट नेम नहीं बता पाऊंगा आपको, मैं इससे कुछ नाम बता देता हूँ दवाइयों के, और कुछ आप नीचे लिस्ट में पढ़ सकते हैं दोस्तों। इन दवाइयों के साथ में इसको नहीं लेना होता है, जैसे दोस्तों लारिगो 400 mg है, या इसके साथ में इसका यूज़ नहीं लेना होगा दोस्तों। एमलोडोपिन दोस्तों जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, तो इसमें भी इन टेबलेटों के साथ में भी इसका यूज़ नहीं लेना होता है दोस्तों। दोस्तों डॉक्सीसाइलिन जो मतलब है साल्ट, इसके साथ में भी इसका यूज़ नहीं लेना होता है दोस्तों। एटोरापिन दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इसके साथ में भी इसका यूज़ नहीं लेना होता है, डॉक्टर की सलाह से ही इसका यूज़ करें, जो ये लिस्ट में नीचे नाम आ रहे हैं दोस्तों। सेफीन दोस्तों, तो इसके साथ में भी इसका यूज़ नहीं लेना, जैसे कि आप नीचे लिस्ट में देख रहे हैं दोस्तों, अपने डॉक्टर की सलाह से ही इसका यूज़ करें। अब चलिए दोस्तों अब मैं इसका मेन यूज़ आपको बता देता हूँ दोस्तों। इसका जो मेन यूज़ लिया जाता है, कैल्शियम की कमी में लिया जाता है, जैसे हड्डियों में दर्द होता है, दांतों में दर्द होता है, या बाल झड़ते हैं दोस्तों, या मतलब हड्डियों में कमजोरी हो जाती है, उसमें इसका मेन यूज़ लिया जाता है। दांतों में मतलब जैसे दर्द होता है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है, विटामिन की कमी हो जाती है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। और दोस्तों सूखा रोग हो जाता है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है, दोस्तों पोषण की कमी हो जाती है खाने पीने की, उसमें इसका यूज़ लिया जाता है दोस्तों। तो कुल मिला के इसका जो यूज़ लिया जाता है वो हड्डियों की कमी में दोस्तों इसका मेन यूज़ लिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों
इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कीजिए। धन्यवाद।